वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेस और मैं हूं विकेश कुमार। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीनोमियल पार्ट थर्ड क्लास 10। ठीक है, तो पिछले वीडियो में पार्ट टू में हमने पढ़ा था बेसिक तौर पे वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट गिवन पॉइंट, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलीनोमियल। ओके, जो पार्ट टू है इसमें ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया था, लेकिन पार्ट थ्री में हम लोग बेसिक तौर पे डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल, और डिस्कस करने वाले हैं बेसिक तौर पे बहुत सारे प्रॉब्लम जो बेस्ड होंगे जीरोज के ऊपर, जो बेस्ड होंगे रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के ऊपर। तो ये सारे हम लोग प्रॉब्लम्स आज करने वाले हैं बेसिक तौर पे पार्ट थर्ड में। तो पार्ट थर्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज ओके एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल, इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है, जीरोज और जो पॉलीनोमियल का कोफिशिएंट है इनके बीच में क्या रिलेशंस होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं लीनियर पॉलीनोमियल से। आप सबको पता है कि लीनियर पॉलीनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, अगर लीनियर पॉलीनोमियल की बात करते हैं ओके, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एक्स प्लस बी, यही होता है। क्या होता है? एक्स प्लस बी, क्लियर है। अगर पी एक्स मान लीजिए ये है एक्स प्लस बी और के यहां पे कोई जीरोज है, तो पी के इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? तो अगर पी के इक्वल टू जीरो होगा तो के का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करने चलेंगे तो के इक्वल टू क्या आया? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। यानी कहने का मतलब ये है के का वैल्यू माइनस बी बाई ए आ गया, के क्या था? जीरोज था। तो अगर किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल का जीरोज निकालना है तो माइनस बी बाई ए कर देंगे, जीरोज निकल जाएगा। तो ये कैसे समझेंगे कौन माइनस बी है कौन ए है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से समझते हैं, ठीक है। जो एक्स के कोफिशिएंट में रहता है वो ए, जो कॉन्स्टेंट रहता है वो बी, सिंपल है। अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पे देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास कोई लीनियर पॉलीनोमियल है, बाय द वे 3x माइनस 5, कौन सा पॉलीनोमियल है? 3x माइनस 5। हमें इसका जीरोज निकालना है, डायरेक्टली जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू क्या आया? 3 और बी इक्वल टू क्या आया? 5। कॉन्स्टेंट कौन है? माइनस 5, सॉरी बी का वैल्यू क्या है? माइनस 5। तो अगर हमें डायरेक्ट क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। तो अगर जीरोज निकालेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए की जगह क्या है? 3, यानी कि 5/3। तो इसका अगर आप जीरोज निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा? 5/3। तो ये जीरोज हो गया, यानी किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल का जीरोज निकालना हो माइनस बी बाई ए कर देंगे, निकल जाएगा। तो ये रिलेशन हुआ किसके बीच में? कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, ओके। चलिए इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं पी एच इक्वल टू 3x माइनस 5 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, जीरोज निकालना है तो वैल्यू क्या रख दिए? जीरो। तो एक्स का वैल्यू क्या आया? 5/3 आ गया, क्लियर है। मेन टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स में ये चीजें कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। हमने पहले भी बताया है कि लीनियर पॉलीनोमियल में सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में दो जीरोज होता है। तो दो जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ये चीजें हम यहां से समझेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में जीरोज होता है उसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। दो जीरोज हुआ, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा फाइंड आउट कैसे करते हैं, और अल्फा और बीटा और जीरोज के बीच में, सॉरी अल्फा और बीटा तो जीरोज है, अल्फा और बीटा और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशंस है ये देखते हैं। तो चलिए शुरू करो। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिए।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, यही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर के का वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर के जीरो है तो। ठीक है, लेकिन यहां पे दो जीरो होंगे, एक अल्फा एक बीटा। क्लियर है, कोई डाउट? तो दो जीरो होंगे तो दोनों को कैसे समझते हैं, मान लेते हैं एक एक्स की जगह क्या है, एक्स इज इक्वल टू की मान लेते हैं अल्फा, सॉरी एक्स इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बीटा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम अल्फा और बीटा रखते हैं तो दोनों के कंडीशन में रिजल्ट क्या आएंगे, जीरो आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन में रिजल्ट जीरो आएंगे तो ये इधर भेजो कि एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर है, इक्वल टू जीरो, यही है बात। तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम अपने इक्वेशन के साथ कंपेरिजन कर देते हैं, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है वो आया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही आया है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इक्वल टू जीरो रख देते हैं इसको, क्योंकि इसका वैल्यू भी जीरो आ गया, रख लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ पे ए एच स्क्वायर, अगर ए से ही सब में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए, तो ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो बाई ए इक्वल टू जीरो। अब कंपेरिजन करो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यान ओके। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे, यहाँ एक्स है, ये भी एक्स है, यहाँ बी बाई ए है, ये है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो बी बाई ए इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर, और ये सी बाई ए कॉन्स्टेंट में, तो ये है अल्फा इंटू बीटा, तो c बाई ए, ठीक है, यहां पर देख लेते c बाई ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। क्लियर होगी बातें, तो यहां से एक और रिलेशन निकल के आया, और अगर और ज्यादा डिटेलिंग्स करेंगे तो देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर ये माइनस इधर है तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहां पे क्या आया, c बाई ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और b माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये रिलेशन आ गए अल्फा बीटा का और कोफिशियंट का, क्योंकि कोफिशियंट इसमें कौन है, a है, b है और c है, तो सब कोफिशियंट और अल्फा बीटा दोनों का रिलेशन आ गया, क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं, ठीक है, ये तो माइनस बी बाई ए आता है, अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो c बाई ए आता है, तो ये इनका आपके पास रिलेशन आ गया। ठीक है, बात समझ में, अल्फा बी ए बी सी के बारे में पता ही है आपको, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बी जो है एक्स का कोफिशियंट होता है, और सी जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपके पास ये सारे इंफॉर्मेशन आ गए, तो यहां से रिलेशन फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी तौर पर।
तो बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर। इसके बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। क्लास टेंथ में आप हैं तो थोड़ा सा और सही रहेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स की तरफ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जहां बात आती है, इसका मतलब ये है कि उसमें तीन जीरोज होंगे क्योंकि डिग्री तीन है, पहले भी हमने बताया हुआ है। तो अल्फा बीटा और गामा, हमने तीन डिग्री ले रखा है, अल्फा बीटा और गामा, उसको भी सेम तरह से प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एस क्यूब प्लस बी एच स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ए जो है एस क्यूब का कोफिशियंट है, बी जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, सी जो है एक्स का कोफिशियंट है और डी जो है कॉन्स्टेंट है। देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ पे तीन आएंगे जीरोज, तो मान लेते हैं तीन जीरोज कौन से हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। एच इक्वल टू अल्फा, एच इक्वल टू बीटा और एच इक्वल टू गामा। क्लियर है। अगर तीनों को देखा जाए तो एच माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, एच माइनस बीटा इक्वल टू जीरो और एच माइनस गामा इक्वल टू जीरो। क्लियर है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एच माइनस अल्फा इंटू एच माइनस बीटा इंटू एच माइनस गामा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, आगे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर लाइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू जीरो। अब एक्स माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा एक्स। अब गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर गामा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा गामा एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीटा गामा एक्स, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारे पास पूरा रिजल्ट। ओके, तो देखिए, तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो अल्फा बीटा गामा, एस माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्स को कॉमन लेते हैं, तो यहां मिलेगा अल्फा गामा, अल्फा बीटा, सबसे पहले अल्फा बीटा, अल्फा गामा और लास्ट में मिला हमें बीटा गामा, ठीक है। ये एच को कोफिशियंट लिए तो, एच को कॉमन लिए, सॉरी एच को कॉमन लिए तो लास्ट में क्या बचा, माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गए, ठीक है, एच माइनस अल्फा इंटू एच माइनस बीटा इंटू एच माइनस गामा। अगर इस पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेरिजन करेंगे, जैसे ही कंपेरिजन करने चलेंगे तो हम देखते क्या है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो इसे ही सब में डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब बी बाई ए एक्स स्क्वायर सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब आते हैं इसको कंपेरिजन करने की बारी। तो b बाई ए यहाँ पे क्या है, b बाई ए है, यहाँ पे माइनस अल्फा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बोल सॉरी सॉरी यहाँ पे देखिए b बाई ए है और यहाँ पे देखिए b बाई ए है,
और यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो बोल सकते हैं कि माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई ए। क्लियर? क्योंकि एक्स स्क्वायर आपस में कंफ्यूजन हो गए। अगर एक्स स्क्वायर को यहां से कंफ्यूजन एक्स को कंफ्यूजन करेंगे तो यहाँ पे क्या है सी बाई ए है और यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा बीटा गामा, ठीक है, और अल्फा गामा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं सी बाई ए। यहाँ पे क्या है सी बाई ए है और यहाँ पे ये पूरा है कि नहीं। एक्स तो आप देख ही रहे हैं कंफ्यूजन हो जा रहा है। लास्ट में आते हैं इधर देखिए, इधर है माइनस अल्फा बीटा गामा, इधर है बी बाई ए, तो माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू बी बाई ए। क्लियर है? अगर इसको और ज्यादा अरेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं इसको माइनस को इधर भेज देंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर है? दूसरी तरफ ये देखेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। और ये माइनस को इधर भेज देंगे तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई ए। क्लियर है? तो ये रिलेशंस आ गए किसके किसके बीच में, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। जीरोज अल्फा बीटा गामा है तो तीनों जीरोज को अगर जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई ए, और लास्ट वन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए। तो ये हमारे पास रिलेशंस आ गए, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसी रिलेशंस का यूज करेंगे हम और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो चलिए उस प्रॉब्लम को करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला चाहिए जो हमने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि वो आपके लिए बिल्कुल आपके माइंड में सेटल हो जाए। जल्दी से उस फॉर्मूले पे आते हैं और एक नजर उसको देखते हैं फिर प्रॉब्लम्स करेंगे, ओके। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, उसी को देखते हैं। तो यूजफुल एलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हम यूज करने वाले हैं या इस चैप्टर्स में जिसका यूज आएगा उस फॉर्मूले को हम एक बार देख लेते हैं ध्यान से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर्स में, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉलीनोमियल है जो दिया हुआ है, कौन कितना है एफ एच इक्वल टू, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये पॉलीनोमियल हमारे पास है, क्लियर है। और हमें क्या करना है इसका जीरोज भी फाइंड करना है और इसको हमें वेरीफाई भी करना है कि चलो वेरीफाई हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका जीरोज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमने अभी फैक्टर फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, ठीक है, या आप नाइन्थ में पढ़े होंगे तो उसका यूज कर सकते हैं, या जो अभी हमने फॉर्मूला बताया थोड़ा दिमाग लगा के उसका भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने जो बताया उसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रख देंगे तो क्या आएगा एच प्लस रूट थ्री और एच माइनस रूट थ्री, ओके, ये आया। अगर ये आया तो दोनों का जो एक रिजल्ट तो जीरो आना चाहिए ना, क्योंकि हमें जीरोज निकालना है, तो इक्वल टू जीरो, ओके। अगर इक्वल टू जीरो करते हैं तो एच का वैल्यू जो आएगा
अगर ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा, यानी या तो ये जीरो रहा होगा या तो ये जीरो रहा होगा, तो सबसे पहला जीरो हम रखेंगे तो एक्स का वैल्यू -3 आया। अगर इसको जीरो रखते तो एक्स का वैल्यू √3 आता। ठीक है, क्लियर है? तो एक्स के दो वैल्यू आ गए, एक आया -√3, एक आया √3। ओके, तो दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ गए, एक अल्फा एक बीटा। हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि इसको हमें क्या करना है, इसको कोफिशियंट के साथ वेरीफाई करना है, रिलेशन जो है इसका वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें ए बी सी जो कोफिशियंट है ये फाइंड करना होगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में रहता है वो ए है, तो ए स्क्वायर के साथ कुछ प्रोडक्ट में नहीं है, यानी क्या है, 1 है। एक्स तो है ही नहीं, अगर एक्स है ही नहीं यानी बी क्या हो गया, 0, और सी क्या हो गया, -3। एबीसी आ गया, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, यही हमने देखा ना कि अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है -√3 और बीटा है √3। अब -b/a क्या होगा, तो -b तो 0 है, a 1 है, ये भी 0 और ये भी 0, सेटिस्फाइड हुआ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और यहां से अगर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और -b/a कर रहे हैं तो भी 0 ही आ रहा है। क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ओके, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ओके, तो अल्फा क्या है यहां पे, अगर देखा जाए तो √3, और बीटा क्या है, √3, एक -√3 है एक √3 है, और सी क्या है, -3, और ए क्या है, 1 है। तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा √3 में √3 से तो क्या आएगा, 3, और इधर क्या आया, 3। दोनों इक्वल है यानी सेटिस्फाइड है, वेरीफाई हो गया। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, वेरीफाई हो गया। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एस स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, एक पॉलीनोमियल है एस स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो चलिए आते हैं, एस स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल है। ओके, क्लियर है? और हमें इसका जीरोज और इसकी कोफिशियंट को निकाल कर वेरीफाई करना है कि चलो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जीरोज को फाइंड करेंगे। तो जीरोज को फाइंड करेंगे यानी रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। तो एस स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, दो वैल्यू आएंगे, क्लियर है? तो ये कैसे फाइंड होगा, तो आपने 9th क्लास में मिडिल स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा होगा, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें मिडिल पार्ट को क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, जो एक्स के साथ यानी प्रोडक्ट में रहता है उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। और स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिट हम ऐसे करते हैं कि उसको प्रोडक्ट करने पे एसी आ जाए और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल पार्ट आए, उसको तोड़ रहे हैं तो वही तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट करने पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर को 7x को हमने स्प्लिट किया, ऐसे स्प्लिट करेंगे जिसे 6+1 भी 7 हो सकता है, 5+2 भी 7 हो सकता है, 4+3 भी 7 हो सकता है, लेकिन हमें वो वैल्यू लेना है जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, एसी आना चाहिए। अगर 6-1 लेते हैं तो 6-1 या 6, यहाँ पे क्या है, ए की जगह क्या है, 1 है, और सी की जगह क्या है, 10 है। 1 × 10 = 10, तो यानी हमें प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। आ क्या रहा है, 6-1 7, 6-1 या 6 ही आ रहा है,
तो इसीलिए 5-2 लेंगे, 5-2 7 ऐड करने पे 7 तो आ रहा है, लेकिन 5-2 जा 3, इसलिए क्या लेंगे 5x plus 2x plus 10 is equal to 0, क्लियर। तो यहां पे आइए x कॉमन लिए, यहां से भी 2 कॉमन लेंगे, x plus 5 is equal to 0, तो यहां पे दोनों में जो कॉमन हो रहा है x plus 5 हो रहा है, तो इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो इधर बचा x, इधर बचा 2, ओके। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस 2, तो दो वैल्यू आ गए, एक आया माइनस 5 दूसरा आया माइनस 2, अल्फा और बीटा दो वैल्यू आ गए। चलिए वापस शुरू करते हैं कि वेरीफाई करते हैं, तो सबसे पहले वेरीफाई करने से पहले ए बी सी निकाल लेते हैं जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, एस के साथ क्या है 7 है और सी तो 10 है ही, हो गया एबीसी निकल गया। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो चलिए शुरू कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लेकर आना है, ओके। अल्फा क्या है माइनस 5, बीटा क्या है माइनस 2, बी क्या है 7, ए क्या है 1, ये क्या आया माइनस 7, ये भी क्या आया माइनस 7, वेरीफाई हो गया, क्लियर है। अब दूसरी तरफ आते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा यानी माइनस 2, बीटा यानी माइनस 2, सॉरी अल्फा माइनस 5 बीटा माइनस 2, ये क्या हो गया सी 10, ए 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू 10, वेरीफाई हो गया, क्लियर है, और कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से इजी वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको पता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। यहां पे ऑलरेडी अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमें सी फाइंड करना है और एक पॉलीनोमियल भी दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जो जिसमें बहुत सारे वेरिएबल है, जैसे पॉलीनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये पॉलीनोमियल है, और बोला है कि सी का वैल्यू निकालना है, लेकिन एक और कंडीशन दिया है जिसमें अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम फॉर्म में ले आते हैं, पॉलीनोमियल के फॉर्म में। तो पॉलीनोमियल के फॉर्म में कैसे आएगा, देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पे कोफिशियंट होना मांगता है, इसमें कोफिशियंट तो है ही नहीं, एक्स के फॉर्म में ये है नहीं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट करके इसके फॉर्म में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी प्लस सी। तो अब यहां पे देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एस, ठीक है, और ये जो है बेसिकली अगर देख रहे हैं तो ये माइनस पी आएगा, माइनस पी से मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया, ये क्या हो गया कांस्टेंट, है ना। यहां पे जो सी है रियल में, सी का वैल्यू क्या होगा माइनस पी प्लस सी, ये आ गया ये सी, और जो b का वैल्यू है बेसिकली माइनस b आया, और a तो पता ही है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट में है, तो इसका वैल्यू क्या आया 1 आया। तो a b c ये तीनों का वैल्यू आ गया, कोफिशियंट पता चल गया। जब हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या है, अगर इसको देखते हैं तो आ रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C बाई ए, और C किसका जो ऑलरेडी इसमें आया हुआ है यानी C1, ओके, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या आया C1 माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0, यही आया। और ध्यान से देखिए C1 माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0,
क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए जीरो आ गया, तो सी वन का जो वैल्यू है यहां से पुट करते हैं माइनस पी प्लस सी, और बी का जो वैल्यू है माइनस पी, और माइनस यहां पर भी है तो माइनस माइनस प्लस, और ए का वैल्यू जीरो है ही, तो सी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हमें सी का वैल्यू फाइंड किया ही आ गया माइनस वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन। एक्चुअल में सी का वैल्यू क्या हुआ, माइनस वन आया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन में रखिए, फिर चेकआउट भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। एक्चुअली ये है तो सही, लेकिन आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसकी वैल्यू यहां रख लीजिए, ठीक है, और फिर सॉल्व करके देखिए कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स करवाने हैं हमसे, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज इज 7 एंड सम ऑफ जीरोज इज -18, ठीक है। तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताना है जिसका एक जीरोज तो 7 है और दो जीरोज का सम जो है -18 है। ओके, तो हमें क्या बताना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सो सिंपल, हमें एक जीरोज दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, ऑलरेडी अल्फा पता है कि 7 है। ओके, और ये भी बताया है कि अल्फा और बीटा का जो सम है वो -18 है, यानी बीटा क्या है भाई, यहां 7 रखिए तो बीटा भी हम निकाल सकते हैं, तो यहां से जो बीटा है उसकी वैल्यू हमें मिल गई -25। ओके, अल्फा और बीटा दोनों आ गया, जब अल्फा और बीटा आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बोलना है थे या माइनस थी, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप जब हम प्रूफ किए थे तो उसमें यही रिजल्ट आया था जिससे हम कंपेरिजन किए थे, ठीक है। हमारे पास क्या होता है इक्वेशन, ठीक है, यही आता है। ओके, तो ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यही था ना, तो हमने क्या देखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, यही आया था। अगर ये आया था लेकिन b बाई ए की जगह b बाई ए अल्फा प्लस बीटा नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा से पहले अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको चाहते हैं b बाई ए तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही आएगा ना। ओके, तो इसी फॉर्म में आ गया हमारे पास, तो चलिए एस स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है 7 और बीटा का वैल्यू क्या है -25 एक्स 7 इंटू -25, ठीक है। तो यहां से देखते हैं 18 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन और ये क्या हो जाएगा अगर 25 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए 470 यानी कि 175, ठीक है, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 175। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आया। ओके, सो सिंपल। ओके, समझ में आ रहा है बात, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, देन द फाइंड द एवोल्यूएट अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो हमें बोल रहा है कि अल्फा और बीटा दो जीरोज है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी का। ओके, तो हमें एवोल्यूएट करना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो चलिए देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमारे पास जो इक्वेशन दिया है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी,
ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है जो एक्स के फॉर्म में, और बोला है कि इसका जीरोज जो है अल्फा और बीटा है। इसका जीरोज कौन है? अल्फा और बीटा। अगर इसका जीरोज अल्फा और बीटा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। ओके, यही तो है इसका मतलब। और बोला है कि हमें इवेलुएट कर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। ओके, क्लियर है? अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा अल्फा स्क्वायर। हाँ चलो ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा अल्फा स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमें फाइंड करना है, चलिए देखते हैं। तो आपको पहले से पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन के लिए चलेंगे तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सी बाई ए। क्लियर है? तो इस पे आ जाते हैं, अगर इसको इवेलुएट कर दें, अल्फा कॉमन लोगे, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? अल्फा बीटा। तो यहां से बचा बीटा और यहां से बचा अल्फा। ओ वाह, यही तो निकालना हमें, हमें तो मिल गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो क्या आया? माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए। तो हो गया ना, सिंपल है, माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर सॉल्व। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द जीरोज। ओ सिंपल, हमें बोला है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जो है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, और हमें तो सम के बारे में पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, लेकिन उस जीरोज का डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। चलिए देखते हैं फिर। ओके, तो हमारे पास जो पॉलीनोमियल है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, ओके, ये पॉलीनोमियल है। क्लियर है? अगर ये पॉलीनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट? ओके, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट? तो अल्फा माइनस बीटा अगर फाइंड करना है तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। बहुत सिंपल है। तो जो हमने आइडेंटिटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो फॉर्मूला बताया था वहीं से देख लेते हैं ना, हमें क्या लाना है? अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा लाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो इसमें दो चीजें नहीं है, एक है अल्फा स्क्वायर नहीं है, एक बीटा स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और ये अल्फा बीटा तो है यहां पे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो कर लेते हैं ना। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो इसमें क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, यही होगा। तो यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर अगर हम निकाल लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बाई ए। क्लियर? तो यहां ले होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू सी बाई ए, तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या होगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए यहां ले देख लेते हैं, अगर चाहे तो आप सॉल्व भी कर लेते हैं। ए स्क्वायर अगर लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू हम उठा के यहां रख देते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है अपने पास? बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई देखिए ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा तो अपने को पता ही है क्या होगा? सी ए, ठीक है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई
तो अब चलिए देखते हैं बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ठीक है, अगर इनके बीच में हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ठीक है, और ये भी क्या आएगा टू ए सी, ओके। तो ये अगर देखा जाए तो क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए स्क्वायर, क्लियर है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू अगर देखा जाए तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का, यानी बोथ साइड रूट कर देते हैं, ओके। तो देख लीजिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आएगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए स्क्वायर, ओके। अगर एक स्टेप और लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए, तो ये अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया, ओके, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए। और आगे चलेंगे जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स है, जैसे उस चैप्टर्स का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे इसकी जिक्र आएगी। इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होता है, इसको डी से डिनोमिनेट करते हैं, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के काम आएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, तो इसकी आगे भी जरूरत है। तो यहां से प्रूव हो गया कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए, क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं अब बचे हैं, बहुत थोड़ा ही है तो कर लेते हैं। आप जितना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे, तो अपनी सोचने की स्किल्स बढ़ती चली जाएगी। मैथमेटिक्स तो हम पढ़ते हैं इसीलिए है, ताकि अपने थिंकिंग को डेवलप कर सके। मैथ इज सो सिंपल अगर देखा जाए तो, इसमें बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना होता है, बस आपको सोचना है कि गिवन क्या है और हमें लेकर आना क्या है। हमने जितनी सारे प्रॉब्लम्स की आपके सामने ही आपको बताया कि कहां से आया, अगर आप फाइंड आउट करते रहेंगे कि ये चीजें कहां से आई, तो आप मैथ आसानी से सीखते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और मैं तो हूं आपके साथ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ वन जीरो जो पॉलीनोमियल टू एस स्क्वायर माइनस फाइव एच माइनस टू के प्लस वन इज ट्वाइस द अदर, द फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बोल रहा है पॉलीनोमियल है जिसमें एक जीरोज दूसरे जीरोज का दोगुना है, पहले पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि पहला जीरोज दूसरे जीरोज का क्या है दोगुना है, और इसमें दोनों जीरोज का भी वैल्यू फाइंड करना है और के का भी वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास पॉलीनोमियल्स पहले क्या है उसको देख लेते हैं, टू एच स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू के प्लस वन, ठीक है, ये है हमारे पास जीरोज, ठीक है, तो ये जीरोज है, तो अल्फा और बीटा का अगर बात करते हैं, ठीक है, तो बीटा का वैल्यू जो है अल्फा से दोगुना है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, किसी का भी अल्फा का भी वैल्यू बीटा से दोगुना मान सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, ए इसका वैल्यू क्या आया टू, और बी का वैल्यू क्या आया माइनस फाइव, और सी का वैल्यू क्या आया टू के प्लस वन, ये हो गया एबीसी कोफिशियंट निकाल लिए, और क्या दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू बीटा से दोगुना है मान लेते हैं, लेट्स डू इट, ऐसे क्वेश्चन में ये दिया है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्लियर है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ओके, तो दोनों को एक ही फॉर्म में लेकर आते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इक्वल टू टू बीटा, तो अल्फा की जगह क्या लिख दिए टू बीटा प्लस बीटा, बी की जगह माइनस फाइव, ए की जगह टू, यानी थ्री बीटा इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस फाइव बाई सिक्स,
क्लियर है, बीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई सिक्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो माइनस फाइव बाई सिक्स बीटा का वैल्यू आ गया। तो अब आते हैं अल्फा का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू टू बीटा है ना, ऐसे ले लो, तो अल्फा इज इक्वल टू टू बीटा माइनस फाइव बाई सिक्स यानी हो गया माइनस फाइव बाई थ्री। तो अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू फाइंड हो गए यहीं से। तो हमें अब के का वैल्यू फाइंड करना है, तो के वैल्यू पर चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इसलिए भी है क्योंकि के जो है वो कॉन्स्टेंट में है, तो सी बाई ए होता है, और सी का वैल्यू क्या है माइनस टू के माइनस वन बाई ए, ये है कि नहीं, क्लियर हो गया। और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू के बारे में अगर देखा जाए तो माइनस फाइव बाई थ्री और माइनस फाइव बाई सिक्स, ओके, और माइनस टू के माइनस वन बाई टू, ओके। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया माइनस ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस, तो ट्वेंटी फाइव बाई नाइन इज इक्वल टू माइनस टू के माइनस वन, क्लियर है। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 25 इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 18 के माइनस 9, और ये इधर को आए 25 प्लस 9 34, कितना है 34 इज इक्वल टू माइनस 18 के का वैल्यू निकालना हो तो 34 माइनस 18 यानी कि माइनस 17 बाई 9, तो k का भी वैल्यू आ गया माइनस 17 बाई 9, ठीक है। अल्फा का भी वैल्यू आ गया माइनस 5 बाई 3, बीटा का भी वैल्यू आ गया माइनस 5 बाई 6, इस सबका वैल्यू आ गया जो भी पूछ रहा था, यहां ले क्लियर हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियोज में बाकी क्वेश्चन को भी करेंगे और सारी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, यूनिक्स टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे, आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड तो होगी, उससे भी टॉप वाली होगी, ठीक है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की पूरी सॉल्यूशन के साथ वीडियोस आएगी, ठीक है। तो उससे पहले हम एक इस क्वेश्चन पे चलते हैं जो आज की लास्ट प्रॉब्लम है। तो चलिए, तो प्रॉब्लम है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 24 एंड इट इज द गिवन द प्रोडक्ट ऑफ इस टू जीरो इज 12। तो हमारे पास एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है, फर्स्ट टाइम अपन को ये क्यूबिक पॉलीनोमियल का प्रॉब्लम कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो क्यूबिक प्रॉब्लम पॉलीनोमियल्स है, ठीक है, जिसमें दो जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें सारे जीरोज फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पॉलीनोमियल्स पे आते हैं। जो हमारे पास पॉलीनोमियल है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, ये पॉलीनोमियल है। तो सबसे पहले कोफिशियंट फाइंड करते हैं, तो कोफिशियंट क्या होगा, 1 बी इज इक्वल टू माइनस 5 सी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड डी इज इक्वल टू 24, ओके। तो हमें पता है ऑलरेडी, हमने जब प्रूफ किया हुआ था तो ये चीज देखा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, अल्फा इन बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाई ए, ठीक है, माइनस में। तो ये चीजें हमारे पास आई थी, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये चीजें आई थी ना। और हमें ये एक क्वेश्चन में एक चीज दिया है कि दो जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो 12 है, ओके, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें एक चीज तो पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बी कितना है 5 है, ए कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5,
यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा के ऊपर ये क्या है, सी बाई ए, सी बाई ए। अगर सी बाई ए है तो सी का वैल्यू माइनस टू और ए का वैल्यू तो वन है ये, तो ये आ गया माइनस टू। क्लियर है। थर्ड आते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, माइनस डी बाई ए माइनस 24, क्योंकि डी का वैल्यू 24 है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस 24। ओके, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस 24 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12, तो गामा का वैल्यू क्या होगा, अगर गामा का वैल्यू देखा जाए तो माइनस 24 बाई 12 इक्वल टू 2 माइनस में, तो गामा का वैल्यू हमें मिल गया, गामा इक्वल टू कितना आया माइनस 2। ओके, जब गामा का वैल्यू मिल गया तो बाकी भी वैल्यूज मिल जाएंगे, तो चलिए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहां से सारा चीज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 और गामा का वैल्यू हमें पता है कितना है जी माइनस 2, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा इधर आके 7, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। क्लियर है, अगर ये 7 आ गया, ठीक है, इक्वेशन ले लेते हैं 1 2 ले लीजिए, ये 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। ओके, तो इन दोनों से अल्फा बीटा का वैल्यू तो आई थिंक मिल जाना चाहिए, ठीक है, तो देख लेते हैं इन दोनों से अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो हमने ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 4 अल्फा बीटा कर देंगे तो रिजल्ट में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है, तो वहां से इसको लेकर आएंगे और यहां 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दे, यानी 49 माइनस 48, तो अल्फा माइनस बीटा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा 1 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा माइनस बीटा 1 मिल गया, ओके, और अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया है 7, ठीक है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा, अगर अल्फा बीटा का वैल्यू हम निकालते हैं तो अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू हमारे पास मिल गया 4, 3 और माइनस 2, ठीक है, तो एक बार हम फ्रेशली लिख देते हैं अगर चाहे तो यहां, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू 3 और गामा इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, समझ में आ गई बातें, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ, बहुत सारे न्यू थॉट्स के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।